आप सभी को जय यीशु की peters.com 24 चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप भी यीशु मसीह की कहानी सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम एक दिलचस्प विषय पर चर्चा करेंगे जो है धरती पर नेफिलीम। परमेश्वर के पुत्रों और मनुष्यों की पुत्रियों के मिलन से दिग्गजों की एक जाति का जन्म हुआ नेफिलीम। ये साधारण बच्चे नहीं थे, उनके पास असाधारण आकार, ताकत और शायद अलौकिक क्षमताएं भी थीं। बाइबल उन्हें शक्तिशाली पुरुषों और प्रसिद्ध पुरुषों के रूप में वर्णित करती है। वे योद्धा, विजेता और शासक थे जिन्होंने प्राचीन दुनिया पर लंबी छाया डाली। उनकी उपस्थिति ने सामान्य मनुष्यों के दिलों में विस्मय और आतंक दोनों को प्रेरित किया। कल्पना कीजिए कि ऐसे प्राणियों का सामना करना पड़ रहा है, अलौकिक शक्ति और अलौकिक शक्ति की आभा वाले विशाल व्यक्ति। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि दिग्गजों की कहानियां दुनिया भर की संस्कृतियों के मिथकों और लोक कथाओं में बुनी जाती हैं। नेफिलीम परोपकारी दिग्गज नहीं थे। कुछ व्याख्याओं के अनुसार वे विद्रोह की संतान थे, दिव्य व्यवस्था को बाधित करने के परिणामों का एक प्रमाण। पृथ्वी पर उनकी उपस्थिति ने एक महत्वपूर्ण मोड़, एक अंधेरे युग में उतरने का प्रतीक किया। नेफिलीम का आगमन बढ़ती हुई दुष्टता और हिंसा के काल के साथ हुआ। पृथ्वी, जो कभी स्वर्ग थी, अंधकार में डूबती जा रही थी। अपने सृष्टिकर्ता से और अधिक भटकता हुआ मानवता अपना रास्ता खोता जा रहा था। बाइबल हमें बताती है कि यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और जो कुछ उसके मन में विचार करता है वह निरंतर बुरा ही होता है। संसार भ्रष्टाचार, लालच और हिंसा का अड्डा बन गया था। नेफिलीम ने अपनी ताकत और प्रभाव से इस अराजकता में उतरने को और भी बदतर बना दिया होगा। वे अत्याचारी बन गए होंगे, कमजोरों का शोषण कर रहे होंगे और पूरे देश में भय फैला रहे होंगे। दुनिया एक तो रेकनिंग की ओर बढ़ रही थी। इन दिग्गजों की उपस्थिति ने धार्मिकता के मार्ग से भटकने के परिणामों की एक कठोर याद दिला दी। मानवता के अपराध ने प्राकृतिक व्यवस्था के संतुलन को बिगाड़ दिया था और दुनिया को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही थी। बढ़ती अराजकता के बीच एक व्यक्ति अपनी धार्मिकता के लिए खड़ा हुआ, नूह। बाइबल उसे एक धर्मी व्यक्ति और अपनी पीढ़ियों में सिद्ध बताती है। अंधकार में डूबी दुनिया में नूह परमेश्वर के साथ चला। परमेश्वर ने मानवीय भ्रष्टता की गहराई को देखते हुए पृथ्वी को एक महान बाढ़ से शुद्ध करने का फैसला किया। उसने देखा कि मानवता की दुष्टता बहुत बढ़ गई है और एक नई शुरुआत की जरूरत है। लेकिन आने वाले विनाश के बीच उसने नूह को आशा की एक किरण चढ़ाई। परमेश्वर ने नूह को एक जहाज बनाने का निर्देश दिया, एक विशाल जहाज जो उसे, उसके परिवार और हर जीवित प्राणी में से दो को आने वाली बाढ़ से बचाएगा। यह एक बहुत बड़ा काम था, भारी बाधाओं के सामने विश्वास का कार्य था। कल्पना कीजिए कि नूह ने कितनी जिम्मेदारी महसूस की होगी। मानवता और सभी जीवित प्राणियों के भविष्य को संरक्षित करने के कार्य के साथ उन्होंने अटूट विश्वास और आज्ञाकारिता के साथ अपने मिशन को शुरू किया। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल में नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें।